परमेश्वर के दैनिक वचन। अंत के दिन वे होते हैं जब सभी वस्तुएं जीतने के द्वारा किस्म के अनुसार वर्गीकृत की जाएंगी। जीतना अंत के दिनों का कार्य है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति के पापों का न्याय करना अंत के दिनों का कार्य है। अन्यथा लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? तुम सब में किया जाने वाला वर्गीकरण का कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे कार्य का आरंभ है। इसके पश्चात समस्त देशों को और सभी लोगों में भी विजय कार्य किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति किस्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। वो न्याय किए जाने के लिए न्याय के सिंहासन के समक्ष आएगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु इस ताड़ना और न्याय को सहने से बच नहीं सकती, और न ही कोई व्यक्ति और वस्तु ऐसी है जिसका किस्म के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया जाता। प्रत्येक को वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि समस्त वस्तुओं का अंत निकट आ रहा है, और जो भी स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वो अपने अंत पर पहुंच गया है। मनुष्य मानवीय अस्तित्व के अंतिम दिनों से कैसे बच सकता है? और इस प्रकार तुम सब और कितनी देर तक अपनी अनाज्ञाकारिता के कार्य को जारी रख सकते हो? क्या तुम सब नहीं देखते कि तुम्हारे अंतिम दिन सन्निकट हैं? वे जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं और उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, वे परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकटन के दिन को कैसे नहीं देख सकते? वे नेकी के लिए अंतिम पुरस्कार कैसे नहीं प्राप्त कर सकते? क्या तुम वो व्यक्ति हो जो भला करता है, या वो जो बुरा करता है? क्या तुम वो हो जो धार्मिक न्याय को स्वीकार करता है और फिर आज्ञा पालन करता है, या तुम वो हो जो धार्मिक न्याय को स्वीकार करता है फिर शापित किया जाता है? क्या तुम न्याय के सिंहासन के समक्ष प्रकाश में जीते हो, या तुम अधोलोक के अंधकार के बीच जीते हो? क्या तुम ही साफ तौर पर नहीं जानते हो कि तुम्हारा अंत पुरस्कार पाने का होगा या दंड? क्या तुम बहुत साफ तौर पर एवं गहराई से नहीं समझते हो कि परमेश्वर धार्मिक है? तो तुम्हारा आचरण और तुम्हारा हृदय किस प्रकार का है? आज जब मैं तुम्हें जीतता हूं, तो क्या मुझे तुम्हें वास्तव में ये बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारा आचरण भला है या बुरा? तुमने मेरे लिए कितना त्याग किया है? तुम मेरी आराधना कितनी गहराई से करते हो? क्या तुम स्वयं अच्छी तरह से नहीं जानते कि तुम मेरे प्रति
कैसा व्यवहार करते हो? किसी और से ज्यादा खुद तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारा अंत क्या होगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैंने ही मनुष्य जाति को सृजा है और मैंने ही तुम्हें सृजा है, परंतु मैंने तुम लोगों को शैतान के हाथों में नहीं दिया और न ही मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने विरुद्ध किया या मेरा विरोध करने दिया और इस प्रकार तुम्हें दंडित किया। क्या ये सब विपत्तियां और पीड़ाएं तुमने इसलिए नहीं सही हैं क्योंकि तुम्हारे हृदय अत्यधिक कठोर और तुम्हारा आचरण अत्यधिक घृणित है? अतः क्या तुम सबने अपना अंत स्वयं निर्धारित नहीं किया है? क्या तुम अपने हृदय में इस बात को दूसरों से बेहतर नहीं जानते कि तुम सब का अंत कैसा होगा? मैं लोगों को इसलिए जीतता हूं क्योंकि मैं उन्हें प्रकट करना और तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूं। ये तुमसे बुरा करवाने या जानबूझकर तुम्हें विनाश के नरक में ले जाने के लिए नहीं है। समय आने पर तुम्हारी समस्त भयानक पीड़ाएं, तुम्हारा रोना और दांत पीसना, क्या ये सब तुम्हारे पापों के कारण नहीं होगा? इस प्रकार क्या तुम्हारी अपनी भलाई या तुम्हारी अपनी बुराई ही तुम्हारा सर्वोत्तम न्याय नहीं है? क्या ये उसका सर्वोत्तम प्रमाण नहीं है कि तुम्हारा अंत क्या होगा?